यदि आपने अपने बचपन में फिनियस एंड फर्ब का एक एपिसोड भी देखा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इस शो को किसने बनाया, इस शो की हिंदी डबिंग के पीछे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, प्लस ये भी जानेंगे कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्यों डिज्नी ने इस शो को बनाना बंद कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। The characters and the plot of the show. Phineas and Ferb एक American animated musical comedy television series है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको जब summer vacation की छुट्टियां मिलती थी तो आप क्या करते थे? Well, आप morning में देर तक सोते होगे, दिन भर टीवी देखते होगे, शाम को खेलते होगे and finally रात में dinner करके सो जाते होगे and next day फिर से वही चीजें। Am I right or wrong? देखो, आप कुछ भी करते हो, but ये दोनों लड़के अपनी समर वेकेशन के फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हर रोज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते थे और उसे बनाकर एंजॉय करते थे। इस शो के मेन कैरेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं: फिनियस, जिसका पूरा नाम फिनियस फ्लिन है, फर्ब, जिसका पूरा नाम फर्ब फ्लेचर है, कैंडिस, जिसका पूरा नाम कैंडिस फ्लिन है, पैरी द प्लैटिपस एंड डॉक्टर हेन्स डूफेंशमोर्स। एंड इन सबके अलावा कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी हैं, जिनमें इजाबेला, बलजीत, ब्यू फोर्ड, लिंडा फ्लिन फ्लेचर, लॉरेंस फ्लेचर, मेजर मोनोग्राम, कार्ल, स्टेसी, जेरेमी, वेनेसा और फायरसाइड गर्ल्स शामिल हैं। एक फन फैक्ट सुनो, फिनियस एंड कैंडिस की मॉम का नाम लिंडा फ्लिन है और फॉब के डैड का नाम लॉरेंस फ्लेचर है, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि फिनियस फ्लिन एंड फॉब फ्लेचर दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। बेसिकली फिनियस एंड फॉब के हर एक एपिसोड में एक सेम पैटर्न होता था। लाइक एपिसोड के स्टार्टिंग में फिनियस एंड फॉब अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और किसी एक इंसिडेंट के कारण फिनियस को एक प्रोजेक्ट आइडिया आता है और फिनियस फॉब को बोलता है, अरे हाँ, मुझे पता है हम क्या करेंगे। फिर पैरी द प्लैटिपस बहुत सारे छिपे हुए टनल्स में से किसी एक टनल का यूज करके अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में चला जाता है। यहाँ मेजर मोनोग्राम पैरी को एजेंट पी के नाम से बुलाते हैं और उसे उस दिन का मिशन समझाते हैं कि उसे आज किसे रोकना है, जो कि हमेशा डॉक्टर डूफेंशमोर्ट्स के शैतानी कामों से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ कैंडिस देखती है कि फिर दोनों बॉयज कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसे वो मॉम को दिखाना चाहती है ताकि फिनियस एंड फॉब का पर्दाफाश हो जाए। इतने में पैरी डॉक्टर डूफेंशमोर्ट्स की बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ डूफेंशमोर्ट्स पैरी को अपने बनाए ट्रैप में फंसा कर अपना नया इविल प्लान सुनाता है। बाद में पैरी उस ट्रैप से छूट जाता है और डॉक्टर डूफेंशमोर्ट्स के प्लान को फेल कर देता है। एंड उधर फिनियस एंड फॉब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं एंड लास्ट में डूफेंशमोर्ट्स के इनिटर्स के कारण किसी न किसी तरह फिनियस एंड फॉब का प्रोजेक्ट गायब हो जाता है। और जैसे ही कैंडिस मॉम को बुलाकर दिखाती है, तब तक सब कुछ पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता है। और इधर डॉक्टर डूफेंशमोर्ट्स लास्ट में पैरी पर चिल्लाते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट एपिसोड। वेल, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो फिनियस एंड फॉब का फर्स्ट एपिसोड ही था, जिसमें दोनों मिलकर एक रोलर कोस्टर बनाते हैं। फिनियस एंड फॉब के टोटल 4 सीजन बनाए गए, जिसमें टोटल 129 एपिसोड शामिल हैं। इसके सीजन 1 में 26 एपिसोड, सीजन 2 में 38 एपिसोड, सीजन 3 में 35 एपिसोड एंड सीजन 4 में 30 एपिसोड शामिल हैं। एंड इन एपिसोड्स को आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। वेल, फिनियस एंड फॉब के लास्ट एपिसोड का नाम लास्ट डे ऑफ समर है, जिसमें दोनों भाई मिलकर अपना फाइनल और सबसे बड़ा इन्वेंशन करते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एंजॉय करने लायक हर वो एक चीज होता है जो हो सकता है। ये एपिसोड मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है। आप भी देख लेना, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, इस एपिसोड से पहले भी एक एपिसोड आया था जिसमें फिनियस एंड फॉब बड़े हो जाते हैं। आप इस एपिसोड को भी देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि बड़े होने के बाद उनका क्या होता है। फाइनली अब वक्त है फिनियस एंड फॉब एनिमेशन सीरीज के बैक स्टोरी को जानने का। By whom and how was it created? Dan Povenmire and Jeff Swampy Marsh, इन दोनों ने मिलकर Phineas and Ferb को बनाया था। And इसके आगे कुछ भी जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बूचर पेपर क्या होता है। देखो, बूचर का मतलब कसाई होता है। कसाई बोले तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दुकान पर मीट को काट कर बेचता है। So, पुराने समय में कसाई लोग मीट को पैक करने के लिए एक हार्ड पेपर का यूज करते थे, जिसे बूचर पेपर कहा जाता था। एंड वही बूचर पेपर आज के समय में बहुत से दूसरे कामों के लिए यूज किया जाता है, लाइक सभी चीजों की पैकिंग और बुक्स कवरिंग के लिए। शायद आपने भी अपने बुक्स की कवरिंग के लिए इस पेपर का यूज किया होगा, यदि किया तो कमेंट में बता कर जाना। वेल, अब आते हैं मुद्दे पर। पोवेनमायर एंड मार्श दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे एंड दोनों ने मिलकर एनिमेशन के फील्ड में अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा। एंड उन्होंने साथ में मिलकर कई फेमस एनिमेशन के लिए काम भी किया, लाइक टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, द सिम्पसंस, रोकोस मॉडर्न लाइफ एसेट्रा। एक दिन पोवेनमायर लॉस एंजलिस के वाइल्ड थाइम रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए और वहां पर बैठे बैठे
टेबल पर पड़े एक बूचर पेपर पर उन्होंने ट्रायंगल शेप के एक किड का एक क्विक ड्राइंग बना दिया और उस ड्राइंग को देखकर उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने तुरंत उस ड्राइंग को बूचर पेपर के रोल से फाड़ा और जाके मार्श से कहा, हे लगता है मेरे पास हमारा खुद का एक शो है। और उन्होंने अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके कुछ नए कैरेक्टर्स का डिजाइन बना दिया। एंड उस रात पॉविन माइंड ने यह भी कहा कि ये कैरेक्टर फिनियस की तरह दिखता है और उनका एक फ्रेंड फॉब भी था जिसके पास दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा टूल्स थे शायद पॉविन मायर की नजरों में। तो उन्होंने एक कैरेक्टर का नाम फिनियस और दूसरे का नाम फॉब रख दिया। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया था, लेकिन असली स्ट्रगल्स तो तब शुरू हुई जब कोई भी टीवी नेटवर्क उनके शो को खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो दोनों अपने कॉन्सेप्ट को लेकर निकलूडियन के पास गए, फिर फॉक्स किड, फिर कार्टून नेटवर्क के पास भी गए, पर उन्होंने उस शो को लेने से साफ मना कर दिया। पॉविन मायर निकलूडियन चैनल के लिए सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने स्पंजीबॉब स्क्वायरपैंट्स के एनिमेशन को बनाने का काम भी किया, लेकिन जब जब वो निकलूडियन को अपने शो के बारे में बताते थे तो वो साफ रिजेक्ट कर देते थे। पूरे 16 साल तक पॉविन मायर अपने पोर्टफोलियो को लेकर इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार डिज्नी ने उनके कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट किया और उन्हें एक चांस दिया। लेकिन डिज्नी ने भी पहले उनसे एक पायलट एपिसोड बनाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 11 मिनट का एक पायलट एपिसोड बनाया जिसे डिज्नी चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम 17 अगस्त 2007 को पायलट एपिसोड के रूप में एयर किया गया। वेल, आप यही सोच रहे हो ना कि ये पायलट एपिसोड का चीज होता है भाई, तो ये भी जान लो कि अमेरिका में जब कोई अपने किसी शो के कॉन्सेप्ट को लेकर किसी टीवी नेटवर्क को बेचने के लिए जाता है और उस कॉन्सेप्ट के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तब वो टीवी नेटवर्क उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए सेलर से एक एपिसोड बनवाकर अपने चैनल पर प्रीव्यू दिखाता है। यदि शो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो शो आगे कंटिन्यू किया जाता है और उसका पायलट एपिसोड उस शो का फर्स्ट एपिसोड बन जाता है। एंड यस, यही सेम चीज फिनियस एंड फॉब के साथ भी हुई थी। एंड फाइनली फरवरी 2008 से जून 2015 तक इस शो को डिज्नी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया, द इंडियन वर्जन ऑफ फिनियस एंड फॉब। इंडिया में मार्च 2008 से जून 2015 तक फिनियस एंड फॉब को हिंदी में डब करके डिज्नी XD एंड डिज्नी चैनल पर एयर किया गया। फिनियस की हिंदी डबिंग स्पाइडरमैन और टाइसन की आवाज रह चुके वैभव ठक्कर ने की है, फॉब और बलजीत की हिंदी डबिंग कौस्तुब घोष ने की है, कैंडिस की हिंदी डबिंग उर्वी आषाढ़ ने की है, डॉक्टर डूफेंशमर्ट्स की हिंदी डबिंग गणेश दिवेकर ने की है, जेरेमी और ब्यूफर्ड दोनों को अपनी आवाज नचिकेत दिघे ने दी है जो कि एश कैचम के ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हैं, एंड इजेबेला को अपनी आवाज परिगण्या पांड्या शाह ने दी है जिन्होंने ग्वेन टेनिसन को भी अपनी हिंदी वॉइस दी है। स्पेशल एपिसोड्स और मूवीज। 5 अगस्त 2011 को फिनियस एंड फॉब अक्रॉस द सेकंड डायमेंशन मूवी आई जो कि मैंने टीवी पर ही देखा था और आज तक मुझे उस मूवी का हर एक चीज याद है, ओवरऑल कमाल की मूवी थी। एंड 16 अगस्त 2013 को फिनियस एंड फॉब मिशन मार्वल आई जिसमें मार्वल हीरोज और फिनियस एंड फॉब का क्रॉसओवर दिखाया गया है। उसके बाद 9 नवंबर 2015 को ओका फाइल्स नाम से एक स्पेशल एपिसोड टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया, द लास्ट डे ऑफ समर के बाद इस स्पेशल एपिसोड को बनाया गया था जिसमें ओका की स्टोरी बताई गई है। ओका का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ कूल एक्रोनिम। बेसिकली ये एपिसोड एजेंट पी और उसके कुछ दूसरे एजेंट दोस्तों पर बेस्ड है जो कि इविल लोगों को शैतानी काम करने से रोकते हैं। आप इस एपिसोड को भी जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एंड 5 जनवरी 2019 को द फिनियस एंड फॉब इफेक्ट आई। बेसिकली इसे आप एक स्पेशल एपिसोड मान सकते हो जिसमें मिलो मुर्फीस लॉ का क्रॉसओवर दिखाया गया है। और पिछले साल यानी 28 अगस्त 2020 को एक मूवी आई कैंडिस अगेंस्ट द यूनिवर्स जिसमें एलियंस कैंडिस को किडनैप करके अपने प्लेनेट ले जाते हैं और फिनियस एंड फॉब अपनी बहना को बचाने निकल पड़ते हैं। वैसे देख पा रहे हो आप, फिनियस एंड फॉब के लास्ट एपिसोड के बाद भी कई मूवीज बनाई गई जिसका साफ मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में चांसेस हैं कि इसके और भी न्यू मूवीज बनाए जाए, बाकी न्यू एपिसोड्स तो नहीं बनाए जाएंगे। और इसका कारण भी आप जान लो, व्हाई डिज्नी स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग दिस शो। 2015 में जब फिनियस एंड फॉब का लास्ट एपिसोड आया तब इस कार्टून के क्रिएटर्स ने कहा कि बहुत लोगों ने बहुत सारे एनिमेशंस बनाए हैं और वो उन्हें एक सीजन, दो सीजन, तीन सीजन एंड सो ऑन बढ़ाते जाते हैं क्योंकि वो अपने सीरीज को एंड नहीं करना चाहते हैं। और ये एक फैक्ट है कि ऐसे बहुत कम एनिमेशन सीरीज ही बने हैं जिनका कोई फिनाले हो, इसीलिए हमें खुशी है कि हम उन बहुत कम लोगों में से एक हैं जो अपने एनिमेटेड शो का फिनाले कर रहे हैं। और फिनियस एंड फॉब के को क्रिएटर मार्श ने डिज्नी से जो कहा वो कुछ इस प्रकार था, इन द एनिमेशन वर्ल्ड इट्स जस्ट सो रेयर दैट अ शो एक्चुअली गेट्स टू डू अ फिनाले व्हिच इज व्हाई वी फील सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट डिज्नी अलाउड अस टू डू दिस। एंड इस तरीके से हर एक न्यू जनरेशन के किड्स वही सेम एपिसोड्स को देख पाएंगे जो कभी उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे थे, जो कि फिनियस एंड फॉब के क्रिएटर्स का इस शो को बंद करने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। सो इस शो को बनाना बंद तो कर दिया गया है पर हर एक टाइम पीरियड के बाद इसे रीब्रॉडकास्ट करता रहा जाएगा। यदि अभी भी
आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी।